दोस्तों आईपीएल क्रिकेट के आज के फाइनल रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दोस्तों अगर आप लोग भी घर बैठे जीतना चाहते हैं 2000 रुपए का कैश इनाम, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट में बताएं आज कौन सी टीम मैच जीतेगी। आप में से सही जवाब देने वाले 10 भाग्यशाली विनर्स को दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से 2000 रुपए का कैश इनाम। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें विजेता टीम का नाम जरूर बताएं। दोस्तों 190 दिन का इंतजार, 8 टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबले, 60 मैचों का रोमांच और इस साल का आईपीएल खिताब, इतना सब होने के बाद पता चलेगा कि 2021 का चैंपियन कौन है। चेन्नई सुपर किंग्स शुक्रवार 15 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 2021 इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ने के लिए तैयार है। वहीं इयान मॉर्गन की कप्तानी वाली नाइट राइडर्स 2014 के सीजन के 7 साल बाद आईपीएल फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रही है। दोस्तों आईपीएल 2021 के खिताब की रेस में भले ही एक्सपर्ट सीएसके को खिताब का प्रबल दावेदार बता रहे हैं, लेकिन 2 बार की चैंपियन और इस साल अपनी खतरनाक गेंदबाजी की बदौलत फाइनल में प्रवेश करने वाली केकेआर भी कम नहीं है। दोस्तों आईपीएल में अगर दोनों टीमों के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी है। आईपीएल में दोनों टीमों के बीच 27 मुकाबले हुए हैं, जिनमें चेन्नई को 17 तो वहीं कोलकाता को 9 मुकाबलों में जीत मिली है। वहीं यूएई में ही 3 मुकाबलों में चेन्नई को 2 और केकेआर को 1 में जीत मिली है। सीएसके की प्लेऑफ हिस्ट्री की बात करें तो साल 2020 को छोड़कर 11वीं बार प्लेऑफ में जगह बनाई है, इसके साथ 9 बार फाइनल खेला है और 3 बार विजेता रही है। वहीं दोस्तों कोलकाता की बात करें तो 6 बार प्लेऑफ तक सफर तय किया है और 2 बार विजेता रही है। वहीं साल 2012 में गौतम गंभीर की कप्तानी में कोलकाता ने चेन्नई को हराकर आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी ताकत कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। धोनी का दिमाग खेल को कभी भी पलट सकता है। इसके बाद चेन्नई की ओपनिंग बल्लेबाजी काफी मजबूत है। पूना टूर्नामेंट में इस टीम की ओपनिंग जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दिलाई है। इसके साथ ही ऑरेंज कैप के 2 दावेदार भी इसी टीम में शामिल है और इस टीम की बल्लेबाजी में काफी गहराई है।